हेलो गाइस, आज हम करते हैं क्लास 12th का सबसे आसान चैप्टर मैट्रिसेस। सबसे आसान चैप्टर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बाकी चैप्टरों से ये थोड़ा सा इजी है, और सबसे आसान पहले इसलिए कराया जा रहा है ताकि हमारे को मैथमेटिक्स अच्छा लगे, और जब मैथमेटिक्स अच्छा लगना शुरू होगा तो हमारे से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं मैट्रिसेस से। चैप्टर थर्ड है आपका, जो CBSE की NCERT टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है हमारे पास, चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस। नाउ बेसिक डेफिनेशन से चलेंगे, फिर उसके बाद आपके एक टॉपिक करके हम आके इसको कवर करेंगे मैट्रिसेस के। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है? द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज। अब रोज के ब्रैकेट में हमने लिखा हॉरिजॉन्टल, मतलब इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे अरेंज करना है इस टाइप से, एंड कॉलम्स दैट इज वर्टिकल इज कॉल्ड मैट्रिसेस। द रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल पता है आपको, अलॉन्ग लेंथ एंड ब्रेथ। द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिसेस। ठीक है जी, अब हमने अरेंज कैसे करना है वो एक एग्जांपल लेके बताएंगे। नाउ व्हाट आर दीज एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या हैं? रोज हमने बता दी हॉरिजॉन्टल, और हमने कॉलम बता दी वो वर्टिकल थे। तो ये एलिमेंट्स क्या हैं? दीज एलिमेंट्स कैन बी एनी नंबर, एनी नेम एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं। दीज एलिमेंट्स कैन बी एनी नेम, नंबर एक्सेट्रा। फिर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर करा, कुछ एक नंबर्स को हमने प्लॉट करा एक रेक्टेंगल में, दिस इज लेंथ और ये हमारे पास क्या होगी ब्रेथ, इसमें अरेंज कर दिया। नंबर्स आर 2, 1, 4, -1, 2, 3। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइनें कितनी है? दो। तो इसकी रोज कितनी होगी? दो। तो इसके अंदर वर्टिकल लाइनें कितनी है? तीन। तो इसके अंदर कॉलम कितने होंगे? तीन। तो नंबर ऑफ रोज इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 3। तो रोज क्या होंगी? हॉरिजॉन्टल लाइंस, और कॉलम क्या होंगे हमारे पास? वर्टिकल लाइन। ठीक है जी, ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी थी हमारे पास। अब इसके फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए एक सिंपल सा होता है, इट इज द नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो ये चीज ध्यान रखना, पहले हमारे पास क्या आएंगी? रोज, फिर हमारे पास क्या आएंगे? कॉलम्स। तो इसको करते कैसे हैं? देखो, हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म करा, एक एग्जांपल लेते हैं इसका, 2, 1, 4, -1, 7, 2। इसके अंदर रोज कितनी है? दो। रोज का मतलब पता चल गया हॉरिजॉन्टल लाइन है, और वर्टिकल लाइन है कितनी हमारे पास? तीन। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास? 2 क्रॉस 3, रोज पहले कॉलम बाद में। ठीक है जी, ऑर्डर हमेशा कहाँ आएगा? यहाँ नीचे मैट्रिक्स के नीचे लिखा हुआ। और एक और एग्जांपल, 4, 1, 2, 1। अब इसका ऑर्डर देखते हैं, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ने दो, और वर्टिकल लाइन ने भी दो, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, क्योंकि इसके अंदर रोज कितनी थी हमारे पास? दो। हॉरिजॉन्टल लाइन्स कितनी थी? दो। तो रोज कितनी होगी? दो। तो कॉलम कितने हो जाएंगे अब? दो। ठीक है जी, फिर एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं इसका, 1, 4, 3, -1, 2, 1, 2, 1, 3। इसका ऑर्डर क्या? ऑर्डर के लिए सबसे पहले निकालनी है रोज, रोज का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हमारे पास? 1, 2, 3। तो रोज कितनी आ गई? 3। फिर वर्टिकल लाइन, 1, 2, 3। तो यहाँ से क्या हो गया? 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन गया। तो इसका ऑर्डर आ गया हमारे पास 3 क्रॉस 3। फिर एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, एग्जाम्पल क्या हमारे पास? 4, -1, 1, 1, 4, 3, 7, 8, 9 and 11, 14, 7। दीज नंबर्स कैन बी एनी नंबर। ठीक है जी, अब इसमें फिर क्या था? हॉरिजॉन्टल लाइन पहचाननी है। हॉरिजॉन्टल कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो रोज कितनी होगी? 4। फिर कॉलम 1, 2 और 3, मींस वर्टिकल लाइन, तो ये कितने हो गए? 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास? 4 क्रॉस 3। ये सबसे पहला टॉपिक था हमारे पास, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक इसके बाद क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स के अंदर या मैट्रिसेस के अंदर कितने एलिमेंट है? इसका एग्जांपल फिर से कंसीडर करते हैं, तो 4, 1, 2, -1, 2, 3, 1, 2, 4। सबसे पहले ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर के लिए 1, 2 और 3, तीन हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब इसकी रोज 3, और तीन वर्टिकल लाइन है, तीन वर्टिकल लाइन है, मतलब हमारे पास इसके कॉलम भी कितने हैं? 3। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप काउंट करो तो हमारे पास 9 आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 एलिमेंट्स आ गए, और 9 एलिमेंट्स 3 × 3 को मल्टीप्लाई भी करो तब भी कितने आ जाएंगे? 9। तो ये एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं? जो ऑर्डर है उनके दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जो एक नंबर ऑब्टेन होगा, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके अंदर 2 × 2, 4, 1, 2, 3, 4। इसके अंदर एलिमेंट्स 9, और इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे पास? 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आपके पास सीधा सा एक फॉर्मूला बन जाएगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम।
ठीक है जी, दो टॉपिक कवर हो गया आपके पास, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर कैसे निकलता है, फिर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के बाद अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है इस टाइप से, इफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है हैज 24 एलिमेंट्स, इसके अंदर 24 एलिमेंट पड़े हुए हैं, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास। तो ये ऑर्डर निकालने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना, हमने ऐसे दो नंबर फाइंड करने जिसको मल्टीप्लाई करके, ऐसे दो नंबर इंटीजर्स फाइंड करने, पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने, जिनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 24। सबसे पहला 1 into 24 ये तो हर जगह लिखना है, जितने मर्जी एलिमेंट हो 1 से मल्टीप्लाई करके रख दो। फिर 12 into 2, फिर 2 into 12, नेक्स्ट इज 6 into 4, 4 into 6, 8 into 3, 3 into 8। ये आपकी एनसीईआरटी 3.1 के क्वेश्चंस हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चंस होंगे मे बी, ठीक है। ये एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, अब इसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं, फिर से हमें वो दो नंबर फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 8 मिल जाए, तो वो क्या होगा हमारे पास 1 into 8, 8 into 1, 2 into 4, 4 into 2। ये आपके पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। हमने क्या फाइंड करना था, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो अब आगे चलते हैं, ये दो टॉपिक हमने कवर करे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सेकंड वन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाला जाता है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स उससे क्वेश्चन कैसे बनता है वो हमने करा। फिर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अपना फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैट्रिक्स सबसे पहले फॉर्म करना आना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो फॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, तो एक फिर ये एनसीईआरटी 3.1 के क्वेश्चन हैं आपके। तो फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है, फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। आपने कौन सा मैट्रिक्स फॉर्म करना है, 2x2 का मैट्रिक्स फॉर्म करना है। 2x2 मतलब इसके अंदर रोज कितनी है, पहला नंबर 2, तो रोज 2, कॉलम 2, चलो चेंज कर देते हैं थोड़ा सा इसको भी, हम क्या कर देते हैं इसको 3 कर देते हैं। अब रोज कैसे पहचानोगे, पहला नंबर 2x3 है तो इसकी रोज कितनी होंगी 2 और कॉलम कितने होंगे 3, तो 2x3 का बनाना। 2x3 का मैट्रिक्स बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइनें 2 और वर्टिकल लाइनें 3, ठीक। तो ये रोज 2 होगी और कॉलम कितने होंगे हमारे पास 3। अभी इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताया हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 6, तो ये 6 एलिमेंट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट, ये जो एलिमेंट पड़ा हुआ है ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा 1 1 1 1, मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो फर्स्ट नंबर हुआ वो रिप्रेजेंट करेगा रो और सेकंड नंबर रिप्रेजेंट करेगा कॉलम। तो ये फर्स्ट रो में है, कॉलम कौन सा हो गया 2, तो A12, एंड दिस इज A13 बिकॉज दिस एलिमेंट इज इन रो 1 एंड कॉलम 3, एंड दिस एलिमेंट इज इन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो ये फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स होगी। अब फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स को नाम देना। तो अब एक एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल कर दें भी, हम आपको एक मैट्रिक्स दे दिया 4 1 2 1 2 -3, तो इसका ऑर्डर सबसे पहले दो। तो रोज कितनी है इसमें, हॉरिजॉन्टल लाइनें 2 और वर्टिकल लाइनें 3, रोज कितनी है 2, तो 2x वर्टिकल लाइनें 3, कॉलम कितने हैं 3, 2x3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। बट क्वेश्चन क्या बनेगा, फाइंड A13, आपको फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के एलिमेंट पे चाहना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आंसर इज 2। फिर A21, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आंसर इज 1। तो इस टाइप से एलिमेंट्स पहचानने आते हैं आपको। तो फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स के भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, हमें क्या करना है, फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, एक 3x3 का मैट्रिक्स फॉर्म करना है, सच दैट आपको रिलेशन दे रखे हैं उन एलिमेंट्स के बीच का, aij इज इक्वल टू i+j, और इसका मॉड भी कर दो, ठीक। तो ये हमारे पास इस रिलेशन का क्या यूज करना है मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए, तो सबसे पहले मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए हमारे को मैट्रिक्स को बनाना पड़ेगा 3x3, 3x3 मतलब इसके अंदर रोज देखो, पहला नंबर हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा, ये बता दिया, रो कितनी है 3, कॉलम भी कितने हैं 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 वर्टिकल लाइन है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है, मल्टीप्लाई करके नंबर क्या आएगा 9, तो ये क्या हो जाएंगे 9 एलिमेंट्स, ये 9 एलिमेंट्स हमने इसके अंदर बनाने हैं और इन एलिमेंट्स को नाम देना है। दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, नाम A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33,
ये एलिमेंट्स के नाम होंगे। अब इन एलिमेंट्स को फाइंड करना है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। नाउ व्हाट इज दिस ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे मॉड। आई रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ रो एंड जे रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ कॉलम। नाउ सपोज वी आर फाइंडिंग ए वन वन, दिस एलिमेंट इज इन रो वन, इट मीन्स आई की वैल्यू कितनी होगी वन, एंड दिस एलिमेंट इज इन कॉलम वन, मतलब जे की वैल्यू भी कितनी होगी वन। आई एंड जे बोथ आर इक्वल्स टू वन, इधर पुट करते हैं क्या हो जाएगा, वन प्लस वन का मॉड, आंसर इज टू। नाउ ए वन टू, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो आई की वैल्यू वन, जे की वैल्यू कितनी होगी टू, क्योंकि कॉलम कितना है हमारे पास, जे को रिप्रेजेंट करता है। तो वन प्लस टू इधर पुट करा हमने, मॉड ऑफ थ्री इज इक्वल टू थ्री, ए वन थ्री, वन प्लस थ्री दिस इज इक्वल टू फोर। नेक्स्ट एलिमेंट ए टू वन, टू प्लस वन मोड इज इक्वल टू थ्री, अच्छा इसके लिए आई की वैल्यू टू, जे की वैल्यू वन, बिकॉज दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट ए टू टू, टू प्लस टू फोर, ए टू थ्री, टू प्लस थ्री फाइव, फिर ए थ्री वन, थ्री प्लस वन फोर, ए थ्री टू, थ्री प्लस टू फाइव, फिर ए थ्री थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, ये आपके सारे एलिमेंट्स रख गए। अब ये जब सारे एलिमेंट्स हमारे पास फाइंड हो गए हैं तो हमने इसको मैट्रिक्स में रख देना है और हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं, पहले था ए वन वन, टू थ्री फोर, फिर ए टू वन, थ्री फोर फाइव, ये एलिमेंट्स हमने फाइंड कर रखे हैं, यहाँ से उठा के सर वैल्यू पुट कर रहे हैं, फोर फाइव सिक्स। और ये रिलेशन आपकी एनसीईआरटी बुक में फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, थ्री पॉइंट फर्स्ट एक्सरसाइज का, 3.1 एक्सरसाइज का। तो 3.1 में क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो ये रिलेशन आपको चेंज करके दे देंगे और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी चेंज कर देंगे। मे बी आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो 2x2 मैट्रिक्स का है और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो 3x4 मैट्रिक्स का है, और रिलेशन इसके जो पार्ट्स हैं उसमें हर पार्ट में अलग रिलेशन है, ठीक है, उस रिलेशन के आपके हिसाब से आपको इस मैट्रिक्स को फॉर्म करना है। तो आज हमने टॉपिक कवर है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स, इट इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम, फिर उसका ऑर्डर निकालना सीखा, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने सीखे, फिर उसकी फॉर्मेशन सीखी, मतलब ये 3.1 आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, भी मैट्रिक्स का टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं और इनको फॉर्म कैसे किया जाता है, ठीक है। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, आपको धीरे धीरे सारी लेक्चर्स मिलेंगे, मैट्रिसेस के, डिटर्मिनेंट्स के, पूरे मैथमेटिक्स 12th 11th सबके वीडियोज मिलेंगे। तो इसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए और उनसे भी आगे कहिए भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।